नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कर विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई उन पर हो रही है जिनका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, और इस तरह के बकायेदार मुंब्रा शहर में बहुत हैं। मुंब्रा कर विभाग पिछले दो दिनों में अमृत नगर, सोनाजी नगर और शिवाजी नगर में बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान मुंब्रा कर विभाग ने 70 मकान और 22 दुकान को सील कर दिया है। इसके अलावा 31 मोटर, 36 फ्रिज, 12 सिलाई मशीन, 18 टीवी और 15 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। मुंब्रा कर विभाग के कर्मचारी भाले राव ने बताया कि जितने भी दुकान और मकान सील किए गए हैं, इन पर 25,000 से भी ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया था, जिन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आज उन्हें सील कर दिया गया है। भाले राव ने बताया कि पिछले 15 दिनों में जो मुंब्रा कर विभाग ने कार्रवाई अब तक की है, उसमें करीब 350 से भी ज्यादा मकान और दुकान सील किए गए हैं। साथ ही 1,12,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली भी की गई है। भाले राव ने बताया कि मुंब्रा में ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है, आने वाले दिनों में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।